सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हैं मसूरी में। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी हमने होटल ले रखा था। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घूमने के लिए। देखते हैं अभी हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, और आप लोग मेरे साथ वीडियो में से बने रहिएगा। हम लोग आ गए थे होटल के बाहर पे, और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पर का मार्केट। मेरे जस्ट होटल के अपोजिट पे है, और हम लोग सोच रहे थे किधर जाया जाए घूमने के लिए। फिर हमें बच्चों के झूले, खिलौने, गेम्स दिखाई दिए यहाँ पे फन फॉक्स पे। सो हम लोगों ने सोचा पहले यहीं पर ही निकी को थोड़ा झूला झूला देते हैं। और ये है यहाँ के कुछ रेट्स और कुछ टिकट्स हैं। ये टोकन लेना पड़ता है यहाँ पे, और आपको एक कार्ड मिलेगा, आप कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, तो वो आपका कार्ड से ही डिडक्ट हो जाएगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत झूले झुलाए, निकी को थोड़ा गेम्स खिलाया। उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे गन हिल पे, जो कि आपको ये रोप लेके जाती है। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं गन हिल, और गन हिल जाने के दो रास्ते, एक तो आप टू व्हीलर से जा सकते हो, और दूसरा आपका रोप लगी हुई है यहाँ पे, तो आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं। ये है, फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि किससे जाया जाए। सो गाइज, ये है रोप वे, इसकी हेल्प से जाया जाता है गन हिल तक। बाकी टू व्हीलर पे भी जाया जाता है, लेकिन वहाँ के रास्ता ना थोड़ा अच्छा नहीं है। सो हम लोग सोच रहे हैं रोप वे से ही जाएं। सो निकी के पापा गए हैं चार्जेस पूछने के लिए। देखते हैं क्या बता। हाँ, 220 एक बंदे का, निकी का भी लगेगा चार्ज। सो गाइस, डिसाइड कर लिया हमने, हम लोग जा रहे हैं रोप वे से। कैसे कैसे दिए? बच्चों का है कि बड़ों का? ये हम लोग जा रहे हैं रोप वे से। सो ये है वहाँ का रास्ता, और रास्ते में आपको यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी शॉप्स भी दिख जाएंगी। शॉप भले ही छोटी है, लेकिन आपको यहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा, ए टू जेड सामान। आपको होटल मिल जाएंगे पर, और साथ में गेम्स खेलने का भी मिल जाएगा। और इस वक्त हो रही है बच्चों की स्कूल की छुट्टी, सो वो जा रहे हैं अपने घर, और हम लोग पहुंच चुके हैं रोप वे पे। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रॉली का, जैसी वो आएगी फिर हम लोग उसमें बैठ के जाएंगे। और फिलहाल मेरे पतिदेव यहाँ पर ले रहे हैं टिकट। सो 500 में हम तीनों की टिकट आ चुकी है, और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं ट्रॉली का। उसके बाद हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे गन हिल पे। डिस्टेंस की बात करूँ तो मसूरी से गन हिल पड़ता है आपका 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर। हम लोग बैठ चुके हैं ट्रॉली में, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अंदर पूरा ग्लास लगाए हुए हैं पूरी सेफ्टी के साथ, और ऊपर से कुछ नज़ारे इस तरीके से दिखाई देते हैं। हरे भरे जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। और आप देख सकते हो ये जो होटल्स बनाए हैं, इसी के जस्ट नज़दीक से हमारी जो रोप वे है वो जा रही है। सो मतलब काफ़ी अंदर से एक्साइटमेंट भी हो रही है, और डर भी लग रहा था। हम लोग ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे थे। सो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग पहुंचने वाले हैं गन हिल पे, और वहां से मैं आपको पूरा मसूरी का 360 एंगल पूरा दिखाने वाली हूं। फिलहाल यहां से भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ये है आपका मसूरी, जो कि इन पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा बसेरा है, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हम लोग उतर गए हैं रोप वे से, और अब हम पहुंच गए हैं गन हिल पे। आपको लेके चलते हैं।
ये है आपका गन हिल, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे छोटी छोटी शॉप्स दिखाई देंगे, जिसमें आपके कपड़ों से लेके आपका रेस्टोरेंट से लेके और आपके कुछ बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर खेलने के लिए। और साथ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और इस एक चीज़ और है यहाँ पे, यहाँ पर आपको एक व्यू पॉइंट दिखेगा जहाँ से आपको पूरा मसूरी दिखाई देगा, और आप चाहे यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। साथ में ये लोग आपको यहाँ पे ड्रेसेस देते हैं, आप उनको पहन के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं इंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, तो काफ़ी सारा इंजॉय करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पर के जो रेट्स हैं वो भी इतने रीज़नेबल ही रेट्स हैं। सो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी और लंच का भी टाइम हो चुका था। तो सो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले हम लोग पेट पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको पूरा गन हिल घुमाएंगे। तो गाइस, गन हिल पे आके हम लोग खा रहे हैं कढ़ी चावल और साथ में पराठा। कैसा हो रहा है पराठा? अरे वाह। सो गाइस, गन हिल पे आपको ऊपर पे आके यहाँ पर आपको काफ़ी सारे गेम्स मिल जाएंगे खेलने के लिए, और साथ में मतलब टॉप पे जाके आपको एक अच्छा सा व्यू मिल जाएगा देखने के लिए मसूरी का। और यहाँ पे सूट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहे यहाँ से ले सकते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करना भी अलाउड है, तो उसके भी अलग अलग चार्जेस हैं, बाकी ये सब चीज़ें हैं। लंच हमारा हो चुका है और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ व्यू पॉइंट। सो ये है आपका, यहाँ से आपका पूरा मसूरी आपको दिखाई दे रहा है, साथ में जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे तो मौसम ही बना दिया, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पर का, आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इन ड्रेस को पहन के, लहंगा पहन के और जो भी होता है ये, इसको पहन के फ़ोटोज़ निकलवाएंगे, फ़ोटोशूट कराएंगे। सो हम लोग भैया के पास आए और हम लोगों ने इनसे चार्जेस पूछे, तो चार्जेस भी एकदम रीज़नेबल चार्जेस हैं। और अगर आप लोगों के पास कैमरा है तो आप लोग अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से भी खींच सकते हो, इसका सिर्फ ड्रेस का आपको चार्जेस पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो ड्रेस भी कितनी सुंदर ड्रेस है, इनके पास काफ़ी सारे कलर्स थे, काफ़ी सारे कलेक्शंस थे। उसके बाद इन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज निकाली, ये ज्वेलरीज भी इन्हीं की तरफ से होती है। उसके बाद बारी आती है मेरे हस्बैंड की, तो उन्हें भी ड्रेस पहनाई गई और उनका जो ये साइज़ था ये डबल ट्रिपल एक्सल उनको पहना दिया था, जो कि काफ़ी बड़ा हो रहा था। उसके बाद पगड़ी पहनाई जाती है और कुछ गले में मालाएं पहनाई जाती हैं। सो यही इनका लुक है। उसके बाद आती है मेरी बेटी की बारी। सो पहले तक तो बिल्कुल भी मतलब मानी नहीं कि नहीं मुझे नहीं पहनना है, मुझे नहीं पहनना है। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके, रो भी रही थी बेचारी, फिर हमने उसके जल्दी से फटाफट से पोजेज़ लिए। उसके बाद बारी आती है मेरी। सो फोटोग्राफर भैया ही मुझसे ये सब पोजेज़ बना रहे थे, हाथ में कभी गमला, कभी बड़ा सा बर्तन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, वो सब वो दे रहे थे और कुछ पोजेज मुझे स्माइल करके बना रहे थे। उसके बाद आती है हमारी कपल पोज। फिर हम लोगों ने कपल पोजेज़ बनाए और कुछ वीडियोस में मैंने शॉर्ट्स बनाई अपनी, जहाँ पर हम लोग फ़ोटोशूट करा रहे थे वहीं पर ही एक भैया गिटार पकड़ के गाना गा रहे थे, और इतना अच्छा गाना गा रहे थे ना, यहाँ पर नीचे कैफ़े था सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं, और साथ में जब बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा हो तो मज़ा ही आ जाता है, पूरा दिन ही बन जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ किया पैकअप और फिर हम लोग वापस आने लगे। लहंगा तो मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा था। फिर हम लोग अपने वापस रोपवे पे गए और नीचे उतरने के लिए, और आप लोग देख सकते हो टूरिस्ट आने पे लगे हुए हैं, कुछ जाने पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। सो अब हम दोबारा से रोपवे पे आ गए, फिर हम लोग पीछे जाएंगे।
ऐसे नहीं बेटा। सो गाइस हम लोग आ गए हैं गन हिल से वापस और इतना खास तो नहीं था वहाँ पे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल पे और अब थोड़ा करते हैं आराम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। सो वीडियो को यहीं पर ही करती हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।